हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका नए वीडियो में। आज के हम वीडियो में बात करने वाले हैं ऑटो स्क्रीन प्रॉब्लम को हम कैसे, जैसे ऑटो स्क्रीन ऑफ प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इसमें क्या होता है फ्रेंड, जैसे कि आपकी ऑटोमेटिकली स्क्रीन ऑफ हो जाती है तो उस सेटिंग को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसके बारे में बताने वाला हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पास ये IQ का फ़ोन है और आपको सबसे पहले क्या करना है, सेटिंग पर क्लिक करना है। तो क्लिक कर लेंगे, सेटिंग पर क्लिक करते ही आपको इस तरीके का आइकन शो करेगा। आपको यहाँ पर क्या करना होगा, जैसे कि आप देख सकते हैं थोड़ा सा ऊपर की साइड स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पर आप आएंगे डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस पर। क्लिक करते ही आपको इस तरीके का आइकन शो करेगा। आपको यहाँ पर क्या करना होगा, जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन टाइम आउट पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपको इस तरीके का आइकन शो करेगा और ये देखिए यहाँ पर 15 सेकंड का लगा होता है जो कि ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाती है स्क्रीन। तो हम इसको बढ़ा सकते हैं, यानी कि 30 सेकंड का कर लेते हैं, यानी कि 3 मिनट का कर लेते हैं। ये देखिए 30 मिनट का हो गया हमारा ये, और इससे क्या होगा, स्क्रीन ऑफ हमारी 30 मिनट बाद ही होगी। तो उम्मीद है फ्रेंड्स वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।